नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। हालांकि लोग मुझे धमकी तो देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे सऊदी में बैठे बैठे। वो सरपरस्त वो होते हैं जो सऊदी के लोगों का पक्ष लेते हैं, जी हाँ। लेकिन हम तो भाई इंडियन हैं और इंडियन लोगों का पक्ष लेते हैं और लेते रहेंगे। जो उखाड़ना है वो उखाड़ लेना, चाहे जितना मर्जी आप मुझे धमकी देना चाहो दे देना। और धमकी की नहीं भाई, रियल में भी आप आना चाहो आ जाओ, क्योंकि मैं अगर मेरे भाइयों की अगर आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो क्या आपकी आवाज़ उठाऊंगा? और आप लोग जो उनके पक्ष में जाके बोलते हो आप ऐसी वीडियो मत बनाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो हम आवाज़ उठाएंगे, और आवाज़ उठाएंगे नहीं, लोगों की हेल्प भी करेंगे। रही बात इंडियन एम्बेसी की, तो मैं उम्मीद करूंगा अगर ये वीडियो अगर इंडियन एम्बेसी तक पहुंच जाए तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इंडियन लोगों की थोड़ी हेल्प करें, क्योंकि शिकायत कोई भी आदमी पीड़ित आदमी होता है ना, वो अगर उसको कुछ खाने को दिया जाए तो वो जानबूझ के नहीं बोलेगा कि मैं भूखा हूँ। अगर पेट भरा हुआ है तो वो भूखा है तो ये बोलेगा कि मैं भूखा हूँ। एविडेंस के साथ बात करेंगे। वीडियो मेरे पास आया है सऊदी अरबिया से। ما في انت مزاج دماغ هذا طاق دماغ موجود انت طاق بعد كاميرا موجود جاي هنا सर, हम बहुत परेशान हैं, इस जगह पे रहते हैं और हमें रहने की जगह भी अच्छी नहीं दी गई है। और हमसे कपिल ने ड्राइवरी के वीज़े पे बुलाया था, कहा ड्राइवरी करवाएंगे, और यहाँ पे लाके हमें कंस्ट्रक्शन का काम कराया जा रहा है, और जब हमें सैलरी भी नहीं मिल रही है। और हमने जब सैलरी मांगी इससे कपिल से तो इसने हमें मारा आज। और ये देखिए, ये हमारे संग में रेहान भाई हैं, मैं बरेली शहर का रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का, और ये हमारे संग में रेहान भाई हैं, आज इन्हें भी मारा है उनने कपिल ने। गला सब पकड़ के ऐसे ले गला दबा दिया था मेरा ऐसे तरीके से, चुटाली भी लेकर लंबा चौड़े होते हैं सऊदी वैसी। और इसमें सब रिकॉर्डिंग हमने कर रखी है जितनी भी, मतलब वीडियो तो नहीं है भाई। सुबह का टाइम था 5 बजे का, अंधेरा था उस वक्त, बाहर ये हम रूम में बैठे हैं क्योंकि उन्होंने रूम से बाहर बुलाया था, बाहर कैमरे मौजूद है, तो हमने सारी रिकॉर्डिंग कर रखी है। एक एक बात रिकॉर्ड है हमारी, आप उस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे आपको वो रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी, ठीक है। और हम अपने भारत एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारी मदद करें और हमें यहाँ से निकाल दे, क्योंकि हम अपनी एम्बेसी से हम यही मदद चाहते हैं कि हमारी एम्बेसी हमारी इतनी मदद करे कि हमें यहाँ से निकाले। और ये देखिए, रहने के लिए जगह भी बहुत बुरी दी गई है हमें रहने के लिए। देखिए सब ना ही इसमें पलाता करा हुआ है ना कुछ, ऐसे पर्दे डाल के हम लोग रहते हैं और उसके बाद में भी हमें मार होता है, ये बहुत परेशान करता है कभी। जैसे जी हाँ, ये बरेली का है कोई भाई, मोमडन भाई हैं, और उम्मीद मैं आप लोगों से करूँगा भाई, मेरे को आप लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट है क्योंकि आप उस एरिया में रहते हो। ये एरिया उर्दू का वर्ड है, उनके मुंह से सुन लीजिए एरिया का नाम। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब लोग एक जैसे नहीं होते, 5 अंगुली है ना, 5ों की साइज़ अलग अलग है। सऊदी के भी सब तो लोग ख़राब नहीं है, सब होते तो फिर इतने 20-25 लाख लोग इंडिया के वहाँ सऊदीया में जॉब नहीं कर रहे होते, समझ रहे हो बात को। कुछ लोग हरामी होते हैं और उनका कोई जात ईमान धर्म नहीं होता। ये सऊदीया का अरबी है, ये लोग ड्राइवरी में गए थे, इनको कंस्ट्रक्शन में डाल दिया, फिर भी ये बंदे काम कर रहे हैं। और मैं जो वर्ड जो कुछ लोग कमेंट पढ़ रहा था, मैं फेक न्यूज़ बनाता हूँ भाई, आप मत देखना फेक न्यूज़ बनाता है, चैलेंज करता हूँ, अगर मेरी एक न्यूज़ फेक हो जाए सबूत दे देना, 11,000 रुपये ले लेना। आप 11 लाख तो नहीं दे सकता, 11,000 रुपये दे दूंगा मैं, ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहता आप जैसे लोगों से जो मात्र 0.0% है। ये एविडेंस सुबह का 5 बजे का वीडियो है, मैं बता दूं सुबह 5 बजे कितना अंधेरा होता है। 5 बजे अरबी पहुंच गया, इनको मारा इस अरबी ने, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, 5 महीने से सैलरी नहीं है, कोई वीज़ा उनको वापस, मतलब
तो भाई आपने सुन लिया, वीडियो देख भी लिया, अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस बंदे की आप हेल्प करोगे। इस एरिया में जो भी भाई हैं, देखिए सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ नॉर्मली में काम निकाल लेते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं जो खुद अच्छा करते हैं, दूसरों की हेल्प भी करते हैं। इन जैसे लोगों की जो फंस जाते हैं किसी भी तरीके से, इनके कपिल से बात करिए, इंडियन एम्बेसी में बात करिए, कैसे भी करिए, इनका जो भी समाधान है उनको वहाँ से निकालना है। अगर ये इनको सैलरी नहीं मिल रही है तो काम करने का फ़ायदा क्या है, सोचने की बात है। अब इंडियन एम्बेसी वहाँ पर बैठी है, ये इंडियन एम्बेसी में उन्होंने बोला कि हमने केस भी कर दिया लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, आपने खुद इनकी मुँह से सुना है। तो भाई आप जो लोग इंडियन लोग वहाँ पे बैठे हो, इनकी हेल्प जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही वीडियो आपके पास पहुँचेगा तो आप एक दो तीन दिन में इनकी हेल्प कर दोगे। नंबर भी मैं व्हाट्सअप नंबर और यही जो मोबाइल नंबर है शेयर कर दूंगा सऊदी का आप लोगों के साथ में, तो प्लीज़ इनकी आप ज़रूर हेल्प करें, उम्मीद मैं आपसे ज़रूर करूँगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं साथियों कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। उम्मीद है कि आप इन भाई की ज़रूर हेल्प करके इनका जैसे भी समाधान होगा आप करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।